हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। दिस इज़ योर मैथमेटिक्स क्लास फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस अबाउट आवर ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, वी डिस्कस अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ओके, एंड वी कंप्लीट आवर टाइप्स, ओके, ऑफ मैट्रिसेस। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होती, अभी तक हमने इसमें टाइप्स पढ़े, एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, नेक्स्ट आपकी होती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, उसके बाद होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, सो इतनी आपकी प्रॉपर्टीज़, इसमें चार प्रॉपर्टीज़, और ये फिफ्थ है आपका कैंसिलेशन लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ये होती है आपकी। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें आपका जो मेन चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है। ठीक है, मैं आपको अभी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बता रही हूँ। देखिए कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए प्लस बी जो आपका होता है वो बी प्लस ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये ए और बी है क्या? ये दोनों कोई मैट्रिसेस हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ आपका सेटिस्फाई होता है यहाँ पे। ठीक है, ए क्या है आपका? ए आई जे है, ये एम क्रॉस एन के ऑर्डर में है। बी है बी आई जे, ये बी क्रॉस सॉरी एम क्रॉस एन के ऑर्डर में है। ठीक है, तो जब ए प्लस आई करोगे आप तो क्या आएगा? एडिशन रूल से हम देखते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे से एम क्रॉस एन के ऑर्डर में रहेगा, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, तो आप इन दोनों को सम करके साथ में लिख सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, बी आई जे जब आप करोगे नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ के लिए, जैसे ये आपने किया तो आपने ये क्या चेक किया, आपने लेफ्ट हैंड साइड चेक किया इसमें ए प्लस बी। अब हम क्या चेक करेंगे, बी प्लस ए। तो बी प्लस ए जब हमने चेक किया तो हमें ये मिला, तो आप क्या देख सकते हो, ये क्या है कम्यूटेटिव लॉ आपका, यहाँ क्या आ गया, ए प्लस बी आपका बी प्लस ए के बराबर है। क्योंकि आप देखिए अगर आप टू प्लस थ्री करते हो तो फाइव ही आता है, इसी तरीके से थ्री प्लस टू करोगे तब भी आपका फाइव आएगा। तो देखिए इनमें कम्यूटेटिव लॉ आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। नेक्स्ट क्या है, देखिए एसोसिएटिव लॉ मतलब आपको किस तरीके से इसको देखना है, ए प्लस बी प्लस सी जो आपका होगा वो आपका ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है आपका एसोसिएटिव लॉ। देखिए जैसे मैंने कम्यूटेटिव में आपको बताया है, आप ए इज इक्वल टू ए आई जे लेट कर लो एम क्रॉस एन के ऑर्डर में, इसी तरह बी को लेट कर लो, सी को लेट कर लो। ठीक है, तो जब आप ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इन तीनों का सम करोगे, क्योंकि ऑर्डर सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप a प्लस इस वाले टर्म को हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम देख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, हमें a प्लस बी को साथ में लिखना होगा। यहाँ आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये देखिए प्लस c आपका ये होगा। तो आप क्या देख सकते हो कि ए आई जे प्लस बी आई जे, इसको आप इसके साथ अगर सी आई जे करोगे, ऑर्डर सबका सेम है m क्रॉस n, इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर पाओगे। ए आई जे प्लस आप क्या करोगे, बी आई जे प्लस सी आई जे, ये भी एम क्रॉस एन के टर्म में होगा। तो आप क्या देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे देखिए आपका ये क्या आ गया, एसोसिएटिव लॉ इस तरीके से आपका प्रूफ हुआ है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी के आपके इक्वल हो गया है। ठीक है, सो दिस इज़ योर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है। आप देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पे वही नंबर हमें वापस मिल जाए। जैसे कि कोई नंबर हमें ए दिया हुआ है, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें ए वापस मिल जाए। अगर हम इसमें ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें ए ही यहाँ पे दोबारा वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए जैसे हमने कोई नंबर यहाँ ओ ज़ीरो टू ले लिया है, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें ये टू नंबर दोबारा से मिल जाए। हम यहाँ पर अगर ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमें ये टू फिर से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी, इसको कहते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ सेटिस्फाई करता है, चेक कैसे करोगे एग्जिस्टेंस इसका, अगर a प्लस ज़ीरो आपका ज़ीरो प्लस a के बराबर हो जाता है तो ये a ही आएगा।
इसका मतलब है, अगर इस तरीके से आता है इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, आपका एग्जिस्ट कर रहा है ये आइडेंटिटी जो है, ठीक है। सो ये था बच्चों, देखिए इसकी जो प्रूफ है ये आप अपने से पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं जैसे इसके पहले वाले में उनको अप्लाई करके आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। सो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स है। ये एडिटिव इन्वर्स मतलब क्या होता है, आप किसी नंबर में कौन सा नंबर ऐड करोगे कि आपको ज़ीरो मिल जाए, ठीक है। आप अगर इसमें देखिए कोई नंबर ए दिया हुआ है, इसमें आप क्या करो माइनस ए ऐड कर लो, प्लस ब्रैकेट माइनस ए अगर आप ऐड कर लो इसमें तो क्या होगा आपका ए माइनस ए, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको ज़ीरो ही तो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये इस तरीके से है, आपको ज़ीरो यहाँ मिलना चाहिए। इसको आप कैसे चेक करते हो, आपको लेफ्ट हैंड साइड। सो बच्चों यहाँ पे आप देखिए ये था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आपका। इसी तरीके से देखिए एज एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन दे दूँ टू, ठीक है, अब आपको मैं ये बोलूँ कि आप बताइए कि क्या इसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा, इसी का सब माइनस साइन करके आपको लिख देना है, ठीक है। टू है आपका क्वेश्चन, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो किस तरीके से आप इसको शो करते हो, ए प्लस ब्रैकेट माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है कि इसके बेस पे आपको करना है, ए की जगह टू है, ब्रैकेट माइनस टू, तो ये क्या होगा, देखिए टू माइनस टू ये क्या होगा आपका ज़ीरो होगा, ओके। इसी तरीके से जब आप इसमें राइट हैंड साइड में देखोगे तो क्या था, माइनस ए प्लस ए था, तो माइनस टू प्लस टू क्या हो गया आपका ज़ीरो। सो देखिए यहाँ पे है एडिटिव इन्वर्स, इस तरीके से आपको इसको चेक करना होगा, ओके। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे देखिए, देखिए अगर कोई चीज़ यहाँ पे दी हुई है टू प्लस थ्री और यहाँ पे दिया हुआ है फोर प्लस थ्री, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ में क्या है, आप देखते हो कि दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कोई वैल्यू इक्वल है, जैसे ये देखिए यहाँ प्लस थ्री है यहाँ प्लस थ्री है, तो जब ये प्लस थ्री इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो सकता है, ओके। सो ये था आपका देखिए कैंसिलेशन लॉ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको लॉ सारे समझ में आए होंगे। इसमें देखिए जो भी प्रूविंग है वो आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें इसको करने में, ओके। सो सारी चीज़ें प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा आप, प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ जितने हैं। अब इसमें देखिए आगे हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि कोई अगर मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बाय द गिवन स्केलर। स्केलर के फॉर्म में हमें देखना है, अगर कोई चीज़ दी हुई है ए इज़ इक्वल टू क्या है ये आपका वन ज़ीरो माइनस थ्री थ्री, ठीक है। तो क्या होगा, थ्री ए अगर आप यहाँ करते हो तो क्या होगा थ्री, और ये ब्रैकेट में ये वैल्यू मैट्रिक्स की जो है ये सारी ऐसे ही लिखोगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जो ये आपका थ्री है, देखिए ये जो थ्री है ये इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे ये थ्री आपका वन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, माइनस थ्री के साथ भी, ये थ्री आपका ज़ीरो के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये थ्री आपका थ्री के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पे है तो क्या आएगा आपका, थ्री इंटू वन करते हो तो थ्री आता है, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन आएगा, थ्री इंटू थ्री नाइन आएगा, थ्री इंटू ज़ीरो ज़ीरो आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया है। अब देखिए बच्चों हम अगर यहाँ देखते हैं, अगर हम माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको आप किसी भी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ए तो आपके पास था, हमने क्या किया यहाँ माइनस सिक्स से देख लिया, तो कैसे होगा, माइनस सिक्स से इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, ये देखिए आप, ठीक है। अब ये माइनस सिक्स जो होगा इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा देखिए, माइनस सिक्स इंटू वन, माइनस सिक्स इंटू माइनस थ्री, माइनस सिक्स इंटू ज़ीरो, माइनस सिक्स इंटू थ्री, इस तरीके से। सो क्या आएगा देखिए, माइनस सिक्स एटीन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एटीन ज़ीरो, इस तरीके से आप इसको करोगे, ठीक है। अब देखिए हम अगर यहाँ ए की वैल्यू मान लीजिए हमारी थी वन टू थ्री एंड फोर, अब हमने यहाँ ले लिया माइनस इलेवन ए,
तो इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो माइनस 11 है इसको ब्रैकेट में जितने भी नंबर हैं 1, 2, 3, 4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा आपका, 1 का माइनस 11 के साथ तो माइनस 11, 2 का माइनस 11 के साथ तो माइनस 22, 3 का माइनस 11 के साथ माइनस 33, 4 का माइनस 11 के साथ माइनस 44, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब इस मैट्रिक्स के बाहर कोई भी नंबर होता है तो उसका मल्टीप्लाई इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके साथ होगा। ठीक है, ये था आपका। अब इसमें देखिए एक थ्योरम है आपका इन मैट्रिक्स एडिशन। जैसे देखिए आपको ये प्रूव करना है इन मैट्रिक्स एडिशन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। आपको बताना है कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। देखिए कोई वैल्यू अगर यहाँ पे है 2 है और इसको a प्लस बी के साथ हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करते हो, 2a प्लस 2b ऐसे ही तो होता है ये आपका। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका b के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए इसी को आपको यहाँ प्रूफ करके देखना है, इसकी प्रूविंग आप अपने से करिएगा। ठीक है, और इसमें मेन चीज़ ध्यान आपको ये रखनी है कि आपका ये टर्म जो है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका यूज़ अगर हम क्वेश्चन में करते हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद देखिए बच्चों क्या है आपका, इसके बाद है आपका एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 है, इसको मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगी। कॉन्सेप्ट सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं, इसमें एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपके, और बाकी के कुछ आपको अपने से भी करने होंगे। और इसमें बच्चों जितने भी एग्जांपल हैं इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में वो आपको अपने से ट्राई करने हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी एग्जांपल आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, सो बच्चों आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।